हुण पहाड़ां विच पै रहे मीह दा असर मैदानां विच वी वेखण नूं मिल रहा है। हिमाचल विच लगातार दो दिनां तों मीह पै रहा है ते किस तरह उह पंजाब विच आफत बन रहा है उह तुहानूं दस्सांगे। पंजाब विच मुड़ तों हड़ दा खतरा मंडरा रहा है। दस दईए भाखड़ा अते पौंग डैम विच पाणी दा पद्धर खतरे दे निशान नेड़े पहुंच गया है। 4 साल मगरों पहली वार भाखड़ा डैम दे 4 फ्लड गेट खोलणे पए। स्थिति ते मुख्यमंत्री मान दी वी नज़र है, मुख्यमंत्री मान वी जायजा ले रहे ने। इत्थे इह दस दईए कि पहली वार अजिहा होया 4 सालां विच के डैम दे जो फ्लड गेट ने भाखड़ा डैम दे ओह खोलणे पए 4 सालां विच। पंजाब ते 1 महीने अंदर दूजी वार हड़ां दा खतरा मंडरोण लग्गा है। दस दईए हिमाचल प्रदेश विच 2 दिन पए मीह कारण डैमां विच पाणी वधण लग्गा है ते भाखड़ा ते पौंग डैम विच पाणी दा पद्धर जो है खतरे दे निशान दे नेड़े पहुंच गया, जिस कारण भाखड़ा डैम दे पहली वार 4 साल मगरों पहली वार 4 फ्लड गेट खोलने पए ते भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड दे फैसले मगरों पंजाब सरकार ने सिर्फ 8000 क्यूसक पानी छड़न लई कहा है। इह दस दईए कि शिमला तो हेठले पासे 2 दिन अंदर करीब 100 mm मीह पिया ते अज भी उत्थे मीह पै रहा है। वक्खो-वक्ख थावां तों लैंडस्लाइड दीआं तस्वीरां भी सामने आ चुकियां ने ते पंजाब विच किधरे मीह तां नहीं पिया पर डैमां विच पाणी जरूर भर गया है क्योंकि पहाड़ां विच मीह पै रहा है ते इस करके सूबे ते खतरा मुड़ तो मंडरोण लग्या क्योंकि डैम चो जो पानी छड्या जा रहा है उस कारण हड़ां दा खतरा सूबे विच मुड़ तो मंडरा रहा। भाखड़ा डैम विच दोपहर तक जो है पानी दा पद्धर 1673 फुट पहुँच गया ते जो खतरे दे निशान तो इत्थे दस दईए 7 फुट ही हेठां है, इसलिए फ्लड गेट खोलने पे। ये इन्ना निशान दे नेड़े पहुंच गया सी ते इत्थे दस दईए कि भाखड़ा डैम चों 50,000 क्यूसक पानी जो इस समय चल रहा है। पिछले दिनों विच जदों पंजाब विच हड़ आए सन उदों भी भाखड़ा डैम दे फ्लड गेट खोले नहीं गए सन। ये अपने आप में अहम गल है, जदों पिछले दिनों विच हड़ आए उस समय भाखड़ा डैम दे फ्लड गेट नहीं खोले गए पर इस समय ते खोलने पै गए क्योंकि पानी का पद्धर इतना वध गया जिहड़ा खतरे का निशान होंदा है उसके इन्ने नेड़े पहुँच गया कि फ्लड गेट पिछले 4 सालों में एक खोलने पै गए। पौंग डैम में भी पानी का पद्धर वध गया ते उत्थे भी यही हाल नज़र आ रहा है। पंजाब विच मुड़ तो इत्थे जो है हड़ दा खतरा मंडरा रहा है। दस दईए पहाड़ों में जो लगातार मीह पै रहा है उस कारण ये डैम्स में पानी का पद्धर इन्ना ज़्यादा वध गया जिस कारण हुण वो गेट्स खोलने पए जो पिछले 4 सालों तो फ्लड गेट जो पिछले 4 सालों तो नहीं खोले गए सन उन्होंने खोलना पिया ते उस तो बाद जो है हड़ दा खतरा पूरे सूबे विच जो है मंडरा रहा है। भाखड़ा डैम दे फ्लड गेट पिछले 4 सालों विच खोले गए, हालांकि पिछले दिनों विच जो हड़ आया सी सूबे विच उस समय ते नहीं खोलने पए सी। पंजाब सरकार नाल राबता कायम कीता सी इत्थे दस दईए BBMB ने ते उस तो बाद हालांकि काफ़ी घट लैवल से पानी इतने छड़िया गया पर खतरे के निशान के नेड़े पानी का पद्धर इन दोवें डैमों पहुँच गया। साढ़े नाल साढ़े सहयोगी हरजीत जुड़ गए ने। हरजीत, मुड़ तो पंजाब ते हड़ां दा खतरा मंडरा रहा है। पिछले दिन जदों देखा गया कि हड़ कारण सूबे विच की मंजर सी पर उस समय फ्लड गेट नहीं खोले गए सी भाखड़ा डैम दे पर हुण खोलने पए 4 सालों विच पहली बार अजिहा होया जी। जी जी बिल्कुल, जेकर गल की जाए लगातार जो पानी का पद्धर है वह वाधा जा रहा है, पर जेकर जिला संगरूर की नीलम गल की जाए जिथे मूणक खनौरी इन्हों हल्कों के जो पानी की वड्डी मार पई सी, लोग अपने घर चो बेघर भी हो गए थे, किसानों की जो फसल सी वो वड्डी गिनती दे विच तबाह हो गई सी, पर हुण कितें ना कितें ज्यों ही पानी का लेवल वध रहा इन्हां दी जो चेहरे ने इन्हां दे चेहरे के उत्ते चिंतावां साफ दिखाई दे रही है। पर हिमाचल के भी नीलम देखा कि बदल फटन कारण जिथे 7 लोगों की मौत हो गई 3 उस पानी के रुड़ गए, पर कितने कितने नीलम चिंता का विषय जरूर है जिथे जिहड़ियां इलाके दे विच हड़ दे पानी आए थी हुण फिर अजिहियां खबरां आउण दे नाल लोगों के चेहरे के उत्ते कितने ना कितने चिंता दिखाई दे रही ने। जी बिल्कुल हरजीत, तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने दस दईए कि पंजाब विच मुड़ तो हड़ दा खतरा मंडरा रहा है ते स्थिति ते मुख्यमंत्री मान दी वी नज़र है ते इतने गेट जो है फ्लड गेट खोलने पए। ये दस दईए पौंग डैम चों 17,000 क्यूसक पानी चल रहा है ते
सहयोगी साहिल जुड़ गए हैं। साहिल, जिस तरह के नाल पौंग डैम विच भाखड़ा डैम विच पानी का पद्धर वध रहा है, प्रशासन वालों सरकार वालों की हुण प्रबंध किए जाएंगे क्योंकि हड़ां का खतरा मुड़ तो सूबे ते मंडरा रहा है पानी छड्डन कारण? जी बिल्कुल नीलम, जेकर गल करिए जिस तरीके दे नाल भारी बारिश हिमाचल प्रदेश के इलाकों के हुई, उत्थे दूजे पासे भाखड़ा डैम के पौंग डैम के जिहड़ा है जो दस्या जा रहा है कि जो रिजर्वॉयर का पानी है वह खतरे के कगार तो जिहड़ा खतरे का निशान है उस तो लगभग 7 फुट थले जिहड़ा वह बह रहा, जिस करके अज लंबे समय बाद जिहड़ा है भाखड़ा डैम के जिहड़े 4 फ्लड गेट जिहड़े ने वह खोलने पए ने। उत्थे दूजे पासे जेकर गल करिए पौंग डैम नूं वी लैके जिहड़ा कितें ना कितें हालात जिहड़े बने हुए हैं ते पौंग डैम दे वी जिहड़ा हो सकदा कि फ्लड गेट जिहड़े ने खोले जाण। हालांकि इस दे नाल कहते हैं कि जेकर गल करिए जिहड़े इलाके जिहड़े आउंदे ने उहनां जिहड़े इलाके भाखड़ा डैम दे चपेट दे विच आउंदे ने उहनां नूं कहते ना कहते हड़ां दा खतरा जिहड़ा इस वक्त बनदा होया जरूर नज़र आ रहा, पर तस्वीरां इस वक्त तुहानूं असीं जिहड़ा है कौशल्या डैम दी दिखाउण दी कोशिश होया घग्गर इस करके दिखा रहे हैं क्योंकि घग्गर एक ऐसी नदी है जिसके पिछले समय के काफ़ी जिहड़ा तूफान की स्थिति जिहड़ी है बनी हुई सी, काफ़ी जिहड़ी है हड़ की स्थिति जिहड़ी है वह बनी हुई सी। इस वक्त कौशल्या डैम देख सकते हो कि फ्लड गेट ने खोले गए हैं, तो इतने के SDO भी साढ़े मौजूद है, इन्होंने को जानने की कोशिश करेंगे कि घग्गर इस वक्त की हालात ने क्योंकि बीते समय के जो खबर सामने आई ने सोलन के जेकर गल करिए बदल फटिया उस तो बाद जिस करके जो काफ़ी उत्थे पानी का जो बहाव जो बनता हुआ नजर आया। साढ़े SDO मनीष जी मौजूद ने, मनीष जी कि देखिए हाल की घड़ी जो फ्लड गेट्स फिलहाल खोले हुए हैं पर घग्गर जो कौशल्या डैम के रिजरवायर की इस वक्त की स्थिति है, की स्थिति नॉर्मल है कि किस तरीके इतने काम चल? अभी जो वाटर लेवल है जो हमारा डेंजर लेवल है उससे ये 0.7 मीटर अभी डाउन है। जो कल हमारे पास भी कल शाम से जैसे कैचमेंट एरिया में बारिश चल रही थी तो उसकी वजह से हमें 2.5 मीटर का रेज हुआ है हमारा रिजर्वायर लेवल, पर हमने प्रिकॉशनरी पहले ही रिजर्वायर लेवल को हमने 3.5 मीटर डाउन रखा हुआ है प्रिकॉशनरी के कोई ऐसी सिचुएशन हो ताकि उसको हम कंट्रोल्ड वाटर इसमें हम छोड़ सकें और फर्दर नीचे जो है कोई डैमेज ना हो। मतलब लगभग 9 फुट के करीब जिहड़ा हले भी गैप जिहड़ा हैगा खतरे के निशान तो थले चल रहा पानी? जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए क्योंकि तुसी कह रहे हो कि हले 9 फुट थले है, कि लगता है जिस हिसाब से बारिश पै रही है जिस हिसाब नाल कह लिए कि जिस हिसाब नाल मौसम विभाग वालों जानकारी दी जा रही है अगले आने वाले समय के बारिशों के जो अंदेशे लगाए जा रहे हैं, कि लगता है कि पानी का लेवल किस स्तर तक पहुँचेगा तो हो किन्ने स्तर तक इदा की कंडीशन आ सकती है कि फिर एक बार फ्लड गेट पूरे खोलने पैण? जो IMD का अलर्ट 2 दिन का जो अलर्ट है आज के लिए और कल के लिए है, जो हमारे कैचमेंट में अभी हमें जो वाटर हमारे पास रिसीव हुआ है वो उल्टा जो हम जितना रिसीव हुआ उससे ज़्यादा हम रिलीज़ कर रहे हैं और रिजर्वायर का लेवल जो है डाउन आना शुरू हो गया है जो हमारे लिए अच्छी बात है। कितने क्यूसेक पानी जेड़ा होने की देर से तुम जेड़ा घग्गर तो कौशल्या डैम तो घग्गर छोड़ चुके हो? अभी 2500 क्यूसिक कंटिन्यू हम छोड़ रहे हैं इसमें और जैसे ही अगर हमें लगेगा कि और पानी जो इनफ्लो है ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली हम ज़्यादा पानी रिलीज़ करेंगे। ठीक है, मुनीष जी जो कि दस रहे हैं कि 2500 क्यूसिक पानी जोड़ा इस डैम तो हाल की कड़ी जो छड़ा जा रहा, पर जेकर गल करिए क्योंकि घग्गर के बीते समय के जेकर गल नीलम तक काफ़ी ज़्यादा हड़ की स्थिति जी बनी हुई सी, जेकर गल करिए संगरूर का इलाका हो गया उस घग्गर की चपेट च आया सगा, पटियाले के कई इलाके जोड़े ने घग्गर की चपेट च आए थे, कई व्डे इलाके जो घग्गर की चपेट च आए थे। उत्थे दूजे पास जेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की गल करिए मुख्यमंत्री भगवंत मान का सीधे तौर के उत्ते कहना कि इन्होंने स्थिति के उत्ते लगातार नज़र उन्होंने बनी हुई है, जेडे हड़ की स्थिति पिछले समय के बनी सी उस करके पंजाब दे विच वित्तीय नुकसान जिहड़ा है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, जिसके चलते केंद्र दी टीमां जिहड़ियां ने वह लगातार पंजाब दे दौरे ते सीगियां, उन्होंने दौरा किया जायजा लिया कि किस तरीके नाल हड़ दे हालातां दे कारण वित्तीय नुकसान की होया, उस करके मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों भी है पंजाब सरकार वाली गल कही गल आखी गई है कि जिहड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट दा जिहड़ा फंड है उन्होंने थोड़ी ढिल दी जाए तो पंजाब नूं जिहड़ी डिजास्टर मैनेजमेंट तों मदद लई फंडिंग दी जाए। फिरोजपुर तो साडे सहयोगी सनी चोपड़ा जुड़ गए हैं क्योंकि इस समय फिरोजपुर तो अपडेट लेना जरूरी हो जाता है, इस समय पौंग डैम विच पानी का जो पद्धर है वह वध रहा है ते जदों इतों पानी छड्डिया जाएगा पानी हरीके वल वहण वाले ब्यास ते सतलुज दरिया विच छड्डिया जाएगा तो फिरोजपुर अते फजिलका विच चंगे संकेत नहीं जा रहे हैं, उत्थे पानी का पद्धर वधेगा तो हड़ां वर्गे हालात बनेंगे। तो साडे सहयोगी सनी जुड़े ने, सनी इत्थे अपडेट चाहवांगे कि प्रशासन वालों किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि पौंग डैम विच लगातार पानी का पद्धर वध रहा है तो जदों छड्डिया जाएगा उसका असर जो है फिरोजपुर विच वेखण नूं मिलेगा? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिहड़ा पानी का पद्धर है वह लगातार बढ़ रहा है, सतलुज दरिया के पानी हेले भी जिहड़ा वह आ रहा है, पानी जिहड़ा क्योंकि हरीके
सो तकनीकी अगे जरा सतलुज दरिया के जरा पानी वो छड़िया जा रहा है तो इसे करके पानी का लगातार जरा वाधा होया नजर पानी जिहड़ा उन्हां पिंडां दे विच खड़ा होया जिहड़ा तुसी बरदो पहले जिहड़े पिंड हैगे सीगे जिथे वसो हैगी सीगी उन्हां पिंडां दे विच पानी जिहड़ा वो हैगा तां लोक परेशान हैगे ने क्योंकि पानी का पद्धर घट ही नहीं रहा हैगा लगातार बारिशां जिहड़ियां ने हिमाचल दे विच हो रही ने बदल फट रहे हैं तो वो सारा पानी जिहड़ा डैमां दे विच आंदा डैमां तों अगे पानी जिहड़ा छड्डिया जा रहा हैगा तां जिहदे करके ब्यास तो बाद जिहड़ा है हरीके दे विच पानी आंदा तां हरीके तो बाद सतलुज च पानी आंदा सतलुज दरिया दे विच जिहड़ा फिरोजपुर दा नाल दा इलाका हैगा जिहड़ा ना या अगे जे गल करिए हुसानी वाला हैड तो अगे जिहड़ा पानी छड्डिया जांदा पाकिस्तान वल नूं या फाजिलका जलालाबाद नूं तां उत्थे जिहड़े पिंड प्रभावित हो सकदे ने क्योंकि पानी जिहड़ा अगर जे जे बारिशां नहीं रुकदियां हैगियां हिमाचल दे विच बदल फटणों नहीं रुकदे हैगे तां पानी दा लैवल वधदा रहूगा तां अगे वी पानी जिहड़ा उह छड्डिया जाऊगा ते पानी जिहड़ा अगे वी आंदा रहेगा तां इन्हां इलाकियां दे विच वड्डी मार वजेगी क्योंकि नीलम जिहड़ा हुसैनी वाला बॉर्डर दे नाल मैं तुहानूं जानकारी दे दिआं जिहड़ा पिंड हैगा सी कालू वाला जिहड़ा तीन पासों घिरिया होया दरिया दे नाल इक पासे पाकिस्तान दी सरहद लगदी हैगी आ तां उत्थे काफी वड्डी मार जिहड़ी आ लोकां नूं वज्जी आ क्योंकि पानी दा पद्धर घटिया ही नहीं अगे जिहड़ा हुंदा सी पानी दा पद्धर घटदा सी चंगे संकेत नहीं जा रहे ने। सनी फिलहाल तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया।